आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। पर्यावरण दोहन के नुकसान, ये आज का हमारा विषय है जो कि हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो दृष्टि को सही करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है, जैसी दिशा होती है वैसी दशा बन जाती है, जैसी नजर होती है वैसा नजरिया बन जाता है। और हमारा जो आत्मविज्ञान है उसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा एक गुणों का पुंज है। जब गुण हमारे सामने रहेंगे तो हम गुणी बनेंगे, क्योंकि गुण गुणी से अलग नहीं रहता है, गुणी गुण से अलग नहीं रहता है। तो आत्मा यानी गुण, तो वो हमें इस पूरे एपिसोड से मिलते हैं और इसका हमारा बेस बनता है कि सही दृष्टि सही सोच। यह इसका मतलब यह है कि राइट विजन राइट थिंकिंग ये साइंस ऑफ द सोल का मुख्य घोष है। और प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में इसको प्रतिपादित करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा विषय है कि पर्यावरण दोहन के नुकसान। बहुत ही सुंदर विषय है कि सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि पर्यावरण को अगर हमने समझ लिया तो इसका अर्थ यह है कि हमारा सारा वातावरण जिसके अंदर हम जीते हैं, जिसके अंदर हम अपना निवास करते हैं, हम ही नहीं पूरे 84 लाख जीवित प्राणी जो निवास करते हैं उन सब के स्थान को पर्यावरण कहा जाता है। ये पर्यावरण पेड़ से, पौधों से, मनुष्यों से, जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से और नदी से, पानी से और पहाड़ों से और सब अपनी जितनी भी प्राकृतिक छटाओं हैं उससे ये पर्यावरण बनता है। ये पर्यावरण अकेले व्यक्ति का नहीं है, ये किसी अकेले की पपोती नहीं है, ये तो सबके लिए बना है। जितने भी प्राणी इसके अंदर जीवन यापन करते हैं सबके लिए बना है। जब कोई चीज सबके लिए बनती है तो सबका दायित्व होता है उस चीज का बिगाड़ न करे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार का हमारा मकान होता है, जॉइंट फैमिली होती है। उस जॉइंट फैमिली के अंदर हरेक अपने अपने कमरे होते हैं और कुछ कॉमन होते हैं। जो हमारा भोजन कक्ष होता है वो कॉमन होता है, किचन होती है वह कॉमन होती है, और भी कई चीजें कॉमन होती है। तो हम सबका जो पारिवारिक सदस्यों का दायित्व है कि उनकी स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता के लिए कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ईश्वर क्या है? स्वच्छता का नाम ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छता पसंद है। हम अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, हम धूप क्यों जलाते हैं? देवता को प्रसन्न करने के लिए वो जलाते हैं, ताकि देवता हमारी मनोकामना पूरी करे, देवता हमको प्रसन्न रखे, देवता की हमारे पर कृपा बनी रहे। तो मैं कह रहा था कि हम एक समूह में रहते हैं, पूरे समूह का दायित्व है, एक एक व्यक्ति का दायित्व ये है कि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह की हम साफ सफाई रखें। इसीलिए कहा गया है एक कुत्ता भी अपने स्थान को साफ करके बैठता है, उसका दायित्व है। तो ये हम सबका दायित्व, और सबसे ज्यादा दायित्व किसका है कि इस प्रकृति के अंदर 84 लाख जीव योनि के अंदर मनुष्य योनि ऐसी है जो फुली डेवलप्ड है, फुली कल्चर्ड है, और वो फुली जो है ज्ञान वाला है। क्यों? कि उसके पास के अंदर डेवलप्ड इंद्रियां हैं, उसके पास डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, और साथ साथ में डेवलप्ड अहंकार भी है। वही खराब कर रहा है।
व्यक्ति को बिगाड़ने वाला, पर्यावरण को बिगाड़ने वाला, प्रकृति को बिगाड़ने वाला वो अहंकार है। अहंकार के सदस्य है क्रोध है, मान है, माया है और लोभ। ये सारा मोह का जगत है। इस मोह के जगत के अंदर ये वटवृक्ष है। इस वटवृक्ष के अंदर सारी बुराइयां हैं। एक तो अच्छाई का संसार होता है और एक बुराई का संसार होता है। मोह के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के पापों का वर्णन किया गया है। प्रणाति पाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, कैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा और मिथ्या दर्शन और शल्य पाप। ये सारे जो है ये हमारे दोष है, ये हमारे पाप है, ये हमारे बुराइयां हैं, ये सब मोह से जुड़े हुए हैं। और मोह का जो प्रतिनिधित्व या मोह का दूसरा नाम जो ज्यादा प्रचलित है वो राग द्वेष है। तो मैं बात कर रहा था पर्यावरण की, कि पर्यावरण को शुद्ध रखना, शुभ रखना, अच्छा रखना है वो हर प्राणी का दायित्व है जो इसमें जीवन में जो यहाँ पर जीवन यापन कर रहा है। ये सबको बांट बांट के करना चाहिए, चाहे सफाई का काम हो, चाहे हमारे इस पर्यावरण के अंदर प्राणी हैं गण, उनकी अनावश्यक हिंसा न की जाए, उनको कष्ट नहीं दिया जाए। क्योंकि हम दुख नहीं चाहते तो दूसरों को दुख हम देने का क्या अधिकार है, और हम सुख चाहते हैं तो आप दूसरों को सुख दीजिए। बिल्कुल ये तो एकदम कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है कि दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। तो हम सुखी क्यों ना दें, हम दुखी नहीं होना चाहते, दूसरे को दुखी क्यों करें। तो ये सारी बातें पर्यावरण के साथ जीने वाले लोगों से संबंधित बताई। अब मैं ये आ रहा हूं कि पर्यावरण का दोहन हो रहा है। पर्यावरण के दोहन का अर्थ यह है कि हमारा पर्यावरण जो पांच भूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, एक एक का मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग ए ट्रबल टू द persons who आर लिविंग इन दिस कॉस्मोस। देखिए अनबैलेंस इन द नेचर, एंड हु इज क्रिएटिंग द अनबैलेंस, मैन इज क्रिएटिंग द अनबैलेंस, बिकॉज इज ओवर एक्सप्लोइटिंग द एनवायरमेंट, ओवर एक्सप्लोइटिंग द नेचर। दैट इज वाई देर इज इम्बैलेंस इन द नेचर, एंड दैट इम्बैलेंस कॉजेज प्रॉब्लम, इम्बैलेंस कॉजेज इम्बैलेंस, एंड दैट कॉजेज दिस कैलामिटीज, एडवर्स कैलामिटीज विच इज गिविंग हार्म टू अस, विच मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पर्यावरण का दोहन कौन कर रहा है। दूसरे जो प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, वो बेचारे उनका जो इतनी बुद्धि नहीं चलती। शेर होता है वो जब भूखा होता है तभी शिकार करता है, और जब धापा हुआ होता है तो सोता रहता है, किसी की तरफ देखता ही नहीं। गाय जो होती है जब भूखी होती है तभी वो घास खाती है, और भूखी नहीं हो उसके पास में कितना ही बढ़िया से बढ़िया आप घास रखो वो उसका नहीं मुंह लगाती। इसी तरह से हमारे सारे पक्षी हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो एक भी दाना अतिरिक्त नहीं लेते, वो बेचारे तो इतना ही कर सकते हैं। उनकी जो है संज्ञाएं, 10 संज्ञाएं हर प्राणी में होती है, वो संज्ञाएं कौन कौन सी होती है कि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संख्या हर जीवित प्राणी में होती है, लेकिन वो दूसरी सब सीमित होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी लोभी है कि वो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। मनुष्य अगर बुद्धि का सदुपयोग करे तो ये प्रकृति एक स्वर्ग बन जाती है, सबके लिए सुख का साधन बन जाती है, और सभी प्राणी इसमें सुख से रह सकते हैं। लेकिन केवल अपने लोभ के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपने अटैचमेंट के कारण व्यक्ति ने जो है दोहन कैसे किया। मैं एक एक जो है वो मूल तत्व है हमारा पर्यावरण का, उसके दोहन की बात करूंगा। पहले तो दोहन की बात कर रहा हूं मैं, जल का दोहन।
व्यक्ति इतना लोभी हो गया है, उसको दूसरे की कोई चिंता नहीं है। उसको ये सोचना चाहिए कि पानी केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है, तो मैं उसका क्यों अतिरिक्त उपयोग करूं और क्यों उसको गंदा करूं? वो गंदा करने से वो गंदगी किसको प्रॉब्लम करेगी? मेरे दूसरे भाइयों को करेगी, मेरे दूसरे प्राणियों को करेगी। देखिए, व्यक्ति अतिरिक्त लोभ के कारण आजकल ऐसे कल कारखाने लगा रहा है कपड़े की रंगाई का, छपाई का और लेदर का, कि उसके अंदर बहुत से जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट्स पानी के साथ चले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमें बीमार करते हैं। और वो सारा जल है, वो कारखानों का दूषित जल है, कपड़े की रंगाई छपाई का, केमिकल का, वो जाकर के परकोलेट होता है, कहीं न कहीं गिरता है, तो आखिर परकोलेशन होके जमीन में जाएगा। कोई उड़ेगा तो नहीं, वो पानी में जाकर के घुल जाएगा। जैसे कि एक जहर की बूंद को हम पानी की गिलास में अगर हम घोल देते हैं और पी लेते हैं तो व्यक्ति मर जाता है, उसी तरह से ये घुलनशील तत्व है केमिकल्स, जो कि उसके अंदर पानी के साथ मिल जाते हैं और वही दूषित पानी हम मिलते हैं, हमें पी लिया होता है, कई कई तरह की बीमारियां हो रही है। और उस खराब पानी को पीने से आज जो है नपुंसकता आ रही है, आज बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है, सारा क्योंकि जल है हमारे जीवन की सबसे प्राइम आवश्यकता है। हमारे शरीर में 60% जल की आवश्यकता है और ये 60% पानी से ही शरीर बना हुआ है। पृथ्वी के अंदर 75% पानी है और 25% ही लैंड है, लेकिन पानी अधिकतम खारा है, पीने का पानी बहुत कम है। आज प्रॉब्लम ये हो गई, ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत शुद्ध अवस्था के अंदर बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है, और उसको कम लोगों को मिलने के कारण बहुत से लोग है कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं और मनुष्य का जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है। दूसरा, पानी का अतिरिक्त दोहन हो रहा है। व्यक्ति को अपनी स्नान करने के लिए, बाथरूम के लिए, किचन के लिए और फ्लश के लिए वो कितना पानी का दुरुपयोग करता है, जहां पर 1 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो सैकड़ों लीटर पानी बहाया जाए, आखिर पानी आएगा कहां से? हमारे जमीन के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सीमित है। हमारे वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि 2 महायुद्ध लड़े गए और तीसरा अगर ईश्वर करे कि महायुद्ध ना हो, और अगर ये तीसरा महायुद्ध होगा तो ये पानी के लिए लड़ा गया जाएगा। उसके संकेत आप देख रहे हैं कि पानी तो फ्री चीज होती है, पीने के लिए, पिलाने के लिए, हर प्राणी को पिलाने के लिए फ्री चीज है, वो हमारा पानी है, वो हमारी हवा है, लेकिन उस पानी आज बोटलिंग हो रहा है आरओ सिस्टम से, और उस बोतल 20 रुपए में तक पहुंच गई, 1 लीटर की 50 तक भी पहुंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पानी सीमित हो रहा है और इसका अतिरिक्त दोहन हो रहा है। ये आज का हमारा विषय है कि अतिरिक्त दोहन के नुकसान क्या है। जब अतिरिक्त दोहन होता है, अतिरिक्त वेस्टेज होता है, दूसरे आदमी प्रभावित होते हैं। एक घर के अंदर मान लीजिए कि 20 लोगों का संयुक्त परिवार रहता है और 20 लोगों के लिए कोई भोजन बनता है, हर एक अच्छा भोजन करना चाहता है, लेकिन कोई अच्छी क्वालिटी का हो, एक या दो लोगों ने सारा जो है खा लिया, तो 15-17 लोग दूसरे वंचित रह जाते हैं। तो ये इम्बेलेंस है, ये एक तरह का दोहन है, एक दूसरे का कुठाराघात है, ये अनुशासनहीनता है। वही अनुशासनहीनता हम इस पर्यावरण का दोहन करके कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि व्यक्ति का लोभ है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। वो अपना व्यक्तिगत लोभ करके अपने इंद्रिय सुखों को जुटाता है, अच्छा भवन बनाता है और बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, ऐश है, आराम है, गाड़ी और घोड़े है। एक एक व्यक्ति जो है हजार हजार लोगों की सुख सामग्री को जो है इकट्ठा कर लेता है। हालांकि इसके लिए जो है वो ईश्वर भी न्याय करता है कि उसके रेड पड़ जाती है और उसको खुद को बीमारी आ जाती है और सरकार उसको ले लेती है, या लुटेरे लूट लेते हैं। ये बैलेंस का प्रकृति का अपना नियम है, परंतु वो दोहन क्यों करे? प्रश्न ये है कि व्यक्ति को दोहन नहीं करना चाहिए, तो जल के दोहन की बात हो गई, उसी तरह से हम पृथ्वी के दोहन की बात कर रहे हैं कि आदमी का आजकल लोभ
किस कदर पहुंच गया है, मकराना की खाने खोल दी है, हर चीज की खान खुद गई है, क्योंकि वो प्राकृतिक संपदा भीतर से आती है। भीतर से जो हीरा आता है, पन्ना आता है, माणक आता है, मोती आता है, सोना आता है, चांदी आती है, ये पृथ्वी के गर्भ की आती है। तो पृथ्वी के गर्भ को बींद दिया है, प्रकृति के गर्भ को जो है वो छलनी छलनी कर दी। आज पृथ्वी माँ करा रही है कि उन्होंने, व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए हजार हजार, दो दो हजार पेट्रोलियम के लिए पांच पांच हजार, दस हजार फुट गहरे जो है ड्रिलिंग पॉइंट बिठा दिए, समुन्द्र के अंदर बिठा दिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इसे प्रकृति का दोहन हो रहा है, एक्स्ट्रा दोहन हो रहा है, और एक्स्ट्रा दोहन होने से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई है। पृथ्वी हर एक चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम सीधे सीधे चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही है जब हम सही सही चल रहे हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हम फिसल जाते हैं, हम गिर जाते हैं और हमारे फ्रैक्चर हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये अतिरिक्त दोहन करने से, पृथ्वी के अंदर अतिरिक्त खड्डे खोदने से, चाहे माइंस के लिए हो, चाहे जो है पेट्रोलियम के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, जितना गहरा गहरा इसका दोहन किया जा रहा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई है। और जब पर्यावरण की और नेचर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अतिरिक्त दोहन करने से ये इसका नुकसान क्या होता, उससे उसे देखिए, सुनामी आती है, और उसके साथ के अंदर जो है हमारा अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, और भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, महामारी आती है, बहुत से नुकसान है, क्योंकि हमने दोहन किया, हमने उसको अनबैलेंस बनाया। देखिए, किसी व्यक्ति को हम कष्ट देते हैं तो हम बलिष्ठ व्यक्ति है, हमने जोर से घूंसा मार दिया, लेकिन अगर वो निर्बल है तो भी वो कोशिश करेगा कि उसका प्रतिकार करने के लिए जितनी उसकी ताकत है उस ताकत से हमारे वो घूंसा मारेगा। तो जब हम प्रकृति को इतना इतना दोहन कर रहे हैं, इतना छीजित कर रहे हैं, तो वो भी हमें घूंसा क्यों नहीं मारेगी? वो हमें घूंसा इसलिए मार रही है कि आज उस महामारी में इतने लोग मर गए, और आज भूकंप के अंदर इतने जन और धन की हानि हो गई, सुनामी के अंदर इतना धन और जन की हानि हो गई, अतिवृष्टि में इतने जन और धन की हानि हो गई, अनावृष्टि से जो है अकाल पड़ गया, इतने लोग मर गए, इतने प्राणी मर गए, और इतना जो नुकसान हो गया। तो ये सारी बातें, और फसल होती है, टिड्डी आ जाती है, और भी कई चीज आती है, ये भी सारा क्या है कि टिड्डी कहाँ से आती है, पृथ्वी के गर्भ से आती है, वो भी इसका दोहन करने से, उसमें छेद करने से भीतर से आती है। तो हम ये कह रहे थे, ये हो गया जल का दोहन, और दूसरा पृथ्वी का दोहन, तीसरा अग्नि का दोहन होता है। अग्नि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और अग्नि का हम इस कदर से दोहन कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में स्टील बनाने के अंदर, हमारे कोयले के कारखानों के अंदर, और पेट्रोलियम के लिए इतना इतना अग्नि का दोहन हो रहा है, एक्स्ट्रा ली जा रही है, कि जो हमारी प्रकृति के अंदर अग्नि की मात्रा है वो समाप्त हो रही है। अग्नि हमारे शरीर के लिए भी चाहिए, जठराग्नि होती है, वो भोजन को पचाती है, ये भी जठराग्नि है, हमको पर्यावरण से मिलती है, जैसे धूप है सूरज की, उससे हमको विटामिन डी मिलता है, उससे हमारी जठराग्नि जो है मजबूत होती है। तो हम जब दोहन करते जाएंगे अग्नि का, जो सबके लिए आवश्यक है, तो दोहन करने से क्या होगा, उसकी मात्रा की कमी हो जाएगी। जब अगर हमारा जो है भोजन का स्टॉक समाप्त होगा तो क्या होगा, हम भूखे मरेंगे, पानी नहीं होगा तो प्यासे मर के हम चले जाएंगे। तो इसीलिए ये बेसिक एलिमेंट सबको चाहिए, लेकिन दोहन करते जा रहे हैं, ये नुकसान एक का नहीं है, ये नुकसान पूरी मानव जाति का है, मानव जाति का नहीं, ये पूरी जातियां जो इस पर्यावरण में जीवन यापन कर रही है, जो हम मानते हैं 84 लाख जीवा योनि वो उत्पत्ति स्थान है, लेकिन प्राणियों की संख्या असंख्य है, अनंत है, वो गिनती नहीं की जा सकती है, उन सबको कष्ट होता है। तो पृथ्वी का, जल का, अग्नि का और वायु की बात कीजिए, बड़ी भयंकर दोहन हो रहा वायु का, इतनी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है और दूसरी बेकार नाइट्रोजन वगैरह गैसें छोड़ी जा रही है, फैक्ट्रियों के माध्यम से ऐसे ऐसे कल कारखाने हो गए हैं, जो कि जैसे भोपाल के अंदर त्रादशी कांड हुआ था, कि ऐसी गैस छोड़ दी कि कई कई लोग मर गए,
क्योंकि हमको तो प्राण वायु ऑक्सीजन चाहिए, और गंदी गैस हमारे आएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, मरेगा। तो इसीलिए ये हमारा वायुमंडल आज इतना दूषित हो गया है। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली के अंदर श्वास लेना मुश्किल हो गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली का नहीं है ये हाल, पूरे हिंदुस्तान के हर बड़ी सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये हाल होने वाला है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ है कि ओजोन छतरी होती है O3, जो कि सूर्य की किरणों को जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो कि हमारे लिए बहुत बड़ी हानिकारक है, उसको O3 ओजोन छतरी रोकती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंसान ने इतनी छोड़ दी अपने जो है वो आसक्ति के कारण या अपने लोभ के कारण कि उसने उस छतरी के अंदर छेद कर दिया है, तो पराबैंगनी किरणें हैं हमारी इस कॉस्मोस में आने लग गई है। उससे हम अंधे हो रहे हैं, हम लूले हो रहे हैं, लंगड़े हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं और कई कई बीमारियों से ग्रसित होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान जो है हमको हुआ है, किस लिए हुआ है कि ये हमारे जो है पर्यावरण को अतिरिक्त दोहन करने के लिए होता है। पर्यावरण बना किस लिए है कि जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना भरण पोषण करिए। मैं पुराने जमाने की बात करूं, वो अवसर्पिणी काल के अंदर जो युग था, जो भगवान ऋषभ का युग था, तो उस समय के अंदर लोग इतने ज्यादा समझदार नहीं थे। उस वक्त अग्नि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय में कंद मूल खा करके वो अपना गुजारा करते थे। प्रकृति से जो भी फ्रेश फ्रूट मिलते थे उसी से ही थोड़ी उनकी भूख होती थी, पत्ते वगैरह छाले वगैरह पहन करके और अपने तन को ढक देते थे। कितनी सीमित आवश्यकताएं थी, और आज देखिए आवश्यकताओं का कोई पार नहीं। हमारी जो ये पढ़ी लिखी लेडीज को देखिए, कितने तरह के कॉस्मेटिक्स रखती है। वो जयललिता का उदाहरण आता है कि उसके सैकड़ों सैकड़ों साड़ियां थी, सैकड़ों सैकड़ों चप्पल थे, एवरीडे नहीं पहनती है। कुछ ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति है कि उसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां हैं और प्रतिदिन वो नई गाड़ी में बैठने का उनको शौक होता है। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति का दोहन है और इसका नुकसान। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस हमारे कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान को बराबर देखते रहिए। इसको देखने से आपकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि बनेगी, आपको कुछ ऐसे सूत्र मिलेंगे जिससे आपका मिथ्या दर्शन, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ, आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलेगा और वो आपके जीवन के ऊपर मोक्ष की नींव लगाएगा। मोक्ष तो दूर की बात है, आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा और सुखमय होगा, और आप मनुष्यता को रियल एंजॉय करेंगे। आज व्यक्ति एक अप्राकृतिक होने के कारण में वो एक मैकेनिकल हो गया है। रियल एंजॉयमेंट अगर लेना है तो आत्मविज्ञान कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए। ये जो है हमारा सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया।
डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।